नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल साइंस एक्सपेरिमेंट में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे नमक और पानी से बल्ब कैसे जलाया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, ये हमारा इलेक्ट्रिक टेस्ट सीरीज बोर्ड है और इसको हमने 220 वोल्ट से कनेक्ट कर लिया। और इलेक्ट्रिक टेस्ट सीरीज बोर्ड ये कैसे बनाया जाता है इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप आसानी से देख सकते हो। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं कि नमक और पानी से बल्ब कैसे जलाया जा सकता है। दोस्तों इसे समझने के लिए आपको वीडियो को लास्ट के एंड तक देखना होगा, तभी आप ये समझ पाओगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो, ये मैंने पानी का एक गिलास लिया है, जो कि ये पानी पूरा भरा हुआ गिलास है। और हमने इलेक्ट्रिक टेस्ट सीरीज बोर्ड लिया है और इस पे 200 वाट का बल्ब लगाया है, जो कि जैसे कि दोस्तों मैं हर बार 200 वाट का बल्ब ही लगाता हूँ। और दोस्तों मैंने ये सिर्फ ये प्रो लिए, इलेक्ट्रिक वायर प्रो, जो इसको मैं इसकी सॉकेट में मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं ये बल्ब आपको जला के बताता हूँ। दोस्तों स्विच पहले ऑन करता हूँ मैं और ये बल्ब मैं आपको चला के बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो, इलेक्ट्रिक टेस्ट सीरीज बोर्ड के दोनों टर्मिनल को मैं शॉर्ट करने पर हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है, क्योंकि ये 220 वोल्ट से कनेक्ट है और इसको टच करने पर ये सर्किट यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों इन दोनों टर्मिनल को मैं पानी में डालूंगा तो हमारा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए और ये बल्ब ग्लो होना चाहिए। तो दोस्तों देखते हैं हमारा बल्ब ग्लो होता है या नहीं। तो जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो, हमारे पानी का भरा हुआ गिलास है, हम इसी के अंदर न्यूट्रल और फेज दोनों वायर के इसमें डालते हैं। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो, मैंने ये दोनों वायर इसके अंदर डाल दिए हैं, लेकिन फिर भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ है। जैसे कि दोस्तों बिल्कुल हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ है। तो दोस्तों हमारा बल्ब अभी ग्लो नहीं हुआ, तो दोस्तों हम इसके अंदर नमक डाल के देखते हैं तो हमारा बल्ब ग्लो होता है या नहीं। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो, मेरे पास ये नमक की डिब्बी है, जो कि नॉर्मल नमक है, इसको हम घर में काम खाने के काम में लेते हैं। तो दोस्तों इसमें मैं नमक डाल के देखता हूँ थोड़ा सा। तो जैसे ही दोस्तों देख पा रहे हो, जैसे ही मैंने नमक डाला थोड़ा सा, तो हमारा बल्ब 200 वाट का बल्ब कुछ ग्लो होने लग गया, जैसा कि दोस्तों आपको देख पा रहे हो। तो दोस्तों जैसे ही पानी नमक से खारा होता जा रहा, तो हमारा ये बल्ब ऑटोमेटिक ही ज़्यादा ग्लो होने लग गया। तो दोस्तों इसका रजिस्टेंस है वे काफ़ी ज़्यादा होने लग गया, क्योंकि पहले रजिस्टेंस था वो काफ़ी कम था, और जैसे ही पानी में नमक घुलने लग गया तो इसका रजिस्टेंस ज़्यादा होने लग गया। तो जैसे कि दोस्तों मैं इसमें और पानी के अंदर नमक डाल देता हूँ। जैसे कि दोस्तों देख पा रहे हो, हमारा बल्ब ज़्यादा ग्लो होने लग गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ और हमारा 200 वाट का बल्ब ग्लो होने लग गया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा ये 200 वाट का बल्ब ग्लो क्यों होने लग गया। तो दोस्तों इसका रीजन अब मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा 200 वाट का बल्ब ग्लो क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने पानी के अंदर नमक डाला तो ये सर्किट कंप्लीट हुआ और हमारा 200 वाट का बल्ब ग्लो होने लग गया। क्योंकि दोस्तों जब मैंने नमक नहीं डाला उस समय भी दोनों टर्मिनल पानी के अंदर थे, तो उस समय भी ये हमारा 200 वाट का बल्ब ग्लो नहीं हुआ। क्योंकि दोस्तों उस समय हमारा ये 200 वाट का बल्ब ग्लो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस समय जो हमारा पानी था उसका पीएच मान 0 था। जैसे कि मैंने इसके अंदर नमक डाला तो इसका पीएच मान 0 से आगे बढ़ गया, तो हमारा बल्ब है तो नमक के कारण ये ग्लो होने लग गया। तो दोस्तों हमने वो कौन सा पानी डाला वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों हमने सिर्फ ये बिस्लरी का पानी डाला, जो कि ये आरओ का पानी होता है, जो कि इसमें जो लवण और खनिज होते हैं उसकी मात्रा इसमें बिल्कुल भी नहीं थी, जिससे कि हमारा पानी के अंदर ये सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ। और जैसे हमने नमक डाला तो हमारा सर्किट कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों यही कारण है कि हमें जो हेडपम्प और कुएं का पानी पीते हैं वो ज़्यादा लाभदायक रहता है। तो दोस्तों हमें अधिकतर पानी कुएं और हेडपम्प का ही पीना चाहिए, जिससे कि उसमें सभी खनिज लवण होते हैं। और जैसे कि देख पा रहे हो, बिस्लरी का पानी का बोतल है, इसमें किसी प्रकार का खनिज और लवण नहीं था, तो इस कारण ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं हुआ। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा आप हमें जरूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू, बाय।